पोलियो मुहिम के हवाले से कहा। गुजरात डीसी ऑफिस अटक में मुनक्कित हुआ। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक एनएल सईद, सीईओ हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल, असिस्टेंट कमिश्नर महकमा से डब्ल्यू एच ओ के नुमाइंदों के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद। पोलियो मुहिम के हवाले से कहा। इजलास डीसी ऑफिस अटक में मुनक्कित हुआ। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद, सीईओ हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल, असिस्टेंट कमिश्नर महकमा सेहत, डब्ल्यूएचओ के नुमाइंदों के अलावा दीगर अफसरान भी इनके साथ मौजूद। डीसी अटक को उमेदा पोलियो मुहिम के सिलसिले में तफसीली ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग देते हुए बताया गया पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। इजलास को बताया गया कि इस मुहिम में 5 साल के कम उम्र 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस सिलसिले में जिला भर में भरपूर इंतजाम किए गए। जिला भर के तमाम दाखिले और खारजी रास्तों पर पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इसके अलावा रोमिंग टीम्स भी तश्कील दी जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। कतरे पिलाने वाली तमाम टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। डीसी अटक के इस मौके पर जिला की आवाम से अपील है कि वो महकमा सेहत अटक के साथ इस मुहिम में भरपूर तआवुन करें।